नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। संत कबीर नगर में एक बार फिर से बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर बीएसपी नेता नीलमणि ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि नीलमणि को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि नीलमणि धनघटा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं दून में मचे सियासी बवाल की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों आमने सामने आ गए हैं। विवाद क्या है पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस पर सरकार व पुलिस की नाकामी का आरोप लगा रही है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब पुलिस स्थिति का आकलन करने में विफल रही और पीएम के काफिले को उसी रास्ते से जाने की अनुमति दे दी जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले से ही रास्ता जाम किया था। इसी मुद्दे को लेकर अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई, जिसमें दोनों ही पार्टियों ने आपसी भड़ास निकालते हुए पुतला दहन किया। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के बयान पर सियासत अब और गर्म हो गई है। दरअसल बर्क ने कहा है कि आजम खान जैसे कितने लोग जेल में हैं, लेकिन इसके चलते चुनाव में कोई असर नहीं होगा। इस बयान को लेकर सपा कार्यकर्ता इसकी निंदा कर रहे हैं। बयान है और हमारे जैसे लोगों पे बहुत तकलीफ गुजरी है उनके बयान से। हम बक्स साहब को बड़ा सम्मान करते थे और कायद मोहतरम वाले जरा मोहम्मद आजम खान साहब ने ही उनको 2014 में टिकट दिलवाया था। और कैसे करके टिकट दिलवाया था आपको सबको मालूम है, आप लोग संभल के वासी हैं। अब भी आजम खान साहब ने ही उनको टिकट दिलवाया था और उनके लिए जीतों में मेहनत भी की थी। और लोगों का संभल के लोगों का कहना ये है कि आजम खान साहब की वजह से बक्स साहब को वोट दिया था। अब मुझे नहीं मालूम ये उम्र का तकाजा है या किसी कन्फ्यूज़न में या मीडिया वालों ने उनके मुँह में ये बात डलवाई है, किस लिए कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। बहरहाल ये बयान बड़ा तकलीफ दे है और हमें बड़ी तकलीफ पहुंची उनके बयान से। देखिए, उन्होंने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है और थोड़ा उम्र का भी तगाजा है, क्योंकि हजारों जैसे लोग उन्होंने बता दिया, तो ऐसे लोग नहीं है कि आजम का एक देश और प्रदेश की शान रही है, आज भी हैं। वो व्यक्तिगत बयान था उनका और वो आम आदमी नहीं है, पूर्व कैबिनेट और सांसद भी हैं और प्लस आज तक वो उसमें रहे, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी पत्नी भी, लड़का भी, तो वो आम आदमी की तरह नहीं है। कानपुर देहात के राजपुर विकास खंड के क्षेत्र में पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खंड विकास अधिकारी सहित कई जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, राज्य वित्त और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कानपुर देहात में देर रात शासन ने 2 रेंज के आईजी और 2 जिलों के कप्तान समेत 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत को चित्रकूट रेंज का आईजी बना दिया गया है। वहीं चित्रकूट रेंज के आईजी के सत्यनारायण को वाराणसी का नया आईजी बनाया गया है। वहीं महिला पावर लाइन में डीआईजी रविशंकर छवि को कारागार में डीआईजी बना दिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के एसपी केशव कुमार चौधरी को बहराइच का नया एसपी अब बना दिया गया है। वहीं बहराइच की एसपी सुजाता को महिला पावर लाइन 1090 लखनऊ में पुलिस अधीक्षक के पद पर भेज दिया गया है। ललितपुर में ग्राम पंचायत उगरपुर के प्राथमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए ग्रामीण मौजूद रहे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।
रायबरेली में स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोईया सैकड़ों की संख्या में विकास भवन परिसर में इकट्ठा हुई और मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर महिला रसोइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं रायबरेली की, जहाँ पर मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी करती दिखाई दी। साथ ही पैम्पलेट्स लेकर इस प्रदर्शन को उन्होंने किया। आपको बता दें दरअसल ये पूरा प्रदर्शन विकास भवन परिसर में किया गया। मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी महिलाओं में है। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत कलेक्ट्रेट में डीएम रवीश गुप्ता और नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल ने निराश्रित बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया। वहीं लैपटॉप पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। वहीं इस दौरान चेयरमैन ने लैपटॉप के सदुपयोग करने के लिए भी बच्चों से कहा। उद्धम सिंह नगर के किच्छा में सैकड़ों भूमिहीन ग्रामीणों ने सीलिंग की सरकारी भूमि पर स्थानीय भूमिहीनों को बसाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। किच्छा में उत्तराखंड भूमिहीन खेतीहर मजदूर बहुधंधी समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने खुरपिया फार्म में सीलिंग की भूमि पर पात्र भूमिहीनों को भूमि आवंटित कर बसाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने किच्छा में एसडीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंप कर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। केवल यही है कि जो 485 एकड़ भूमिहीनों के लिए आरक्षित गई है वो भूमिहीनों में तुरंत वितरित किया जाए और इलेक्शन से पहले किया जाए। एक समिति इन्होंने बनाई थी जो कि भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी करना था, वो भी नहीं जारी हुआ, जो एसडीएम कार्यालय से हुई थी वो लेटर भी हमारे पास है। मैं एसडीएम साहब से यही बात कही कि सर हम आप उससे जवाब लेने आए थे, वो बोले मैं छुट्टी पर हूँ मैडम, आप हमारे कार्यालय को दे दीजिए। मैंने कहा सर मैं आपसे जवाब भी चाहती हूँ, कुछ सवाल है मेरे मन में। रुद्रपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भदईपुरा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वो कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पत्नी की हत्या की बात बताई। इसका पता चलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पति को हिरासत में लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। हत्या का मामला संज्ञान में आया है। सुबह मशकूर अली नाम के व्यक्ति ने थाने पर आके बताया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी है मुंह दबा करके, और दम घुटने से महिला की मृत्यु हो गई। और उसकी जब छानबीन की गई तो पता चला है कि मृतक का नाम फराह है और अभी शादी 24 अक्टूबर को ही 2021 में हुई थी। और जो शादी में लड़के को कार मिली थी उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ से इशू शुरू हुआ था। ये मर्डर का मामला है। कल रात 5 बजे गला घोट के और नाक पे हाथ रख के मार दिया गया है। पूरा मामला है दहेज का। डिमांड रखी गई थी पूरे 18-20 लाख की शादी की गई थी, उसमें अल्टो कार भी दी गई थी। उसमें कुछ दिन पहले एक्सीडेंट कर लिया उसने कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। इनके जो हमारी सिस्टर है फरा, इनके जो ससुराल वाले हैं इन्होंने इसके साथ हत्या की है साजिश के तहत। अभी 24 अक्टूबर को इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद लड़का काफ़ी परेशान भी कर रहा था। लड़की घर बनाने की सोच भी रही थी लेकिन ये मसला लड़की ने बताया नहीं हमें भी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। रुड़की की सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को समझाया जा रहा है और कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं एसपी यातायात एमके कत्याल ने रुड़की में लोगों को कोरोना के चलते नियम समझाने और उनका पालन करने की बात कही। साथ ही मास्क न लगाने वाले लोगों को चालान करने की भी बात कही। एसपी यातायात ने यह अभियान नगर के मुख्य चौराहों पर जगह जगह चलाया। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट जो कोविड का है बहुत तेज़ी से संक्रमण करने की क्षमता रखता है और केसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, इसके दृष्टिगत हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और एक बार वार्न करने के बाद भी जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर देहात में सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में फीता काट का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा सिकंदरा विधानसभा की जनता को देकर विकास का एहसास दिलाया। वहीं ऑक्सीजन प्लांट देखकर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर की जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में 50 लाख की लागत से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट सेंटर का निर्माण कराया गया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन और पुनर्वास स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीकोट खेल मैदान का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीकोट में बनाए जा रहे खेल मैदान का 8 जनवरी को लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही बताया कि खेल मैदान का नाम CDS बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, जो हमारा श्रीनगर सिरकोट का स्टेडियम बन रहा है, ये पूरे उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्रीनगर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहां पे गढ़वाल विश्वविद्यालय है, NIT है, मेडिकल कॉलेज है और हज़ारों छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ते हैं और करोड़ों रुपये की लागत से स्टेडियम बन रहा है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी और मैं इस स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं और मैं रेल विकास निगम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।